उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ाए जाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर जी की प्रेजेंस में आज खेलो इंडिया का शुभारंभ किया गया है, जो जिसका मेजबानी अब उत्तर प्रदेश करेगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया की जो वर्दी है, जो जर्सी है, जो लोगो है और जो एंथम है, उसका आज शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। इसके लिए पूरे जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये पूरा कार्यक्रम हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जो लोगो है उसकी डिजाइनिंग की गई थी, उसको पूरी तरीके से तैयार किया गया था और एक बड़ा जोश आज यहाँ पर युवाओं में देखने को मिला। लगातार जिस तरीके से, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, चाहे वो अनुराग ठाकुर जी की बात की जाए, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पूरे देश में अगर खेल को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाना है तो उत्तर प्रदेश को बड़े स्तर पर बढ़ के आगे आना होगा। और जिस तरीके से अब खेलो इंडिया की मेजबानी उत्तर प्रदेश करने जा रहा है, साफ तौर पर है कई कीर्तिमान इस बार जब खेलो इंडिया का आयोजन होगा तो उसमें होगा। अभी तक की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 4 चरण में पूरे खेल होंगे, जिसमें कि लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा में इनके आयोजन किए जाएंगे, जिनमें अलग अलग चरणों में अलग अलग विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में भी खेलों को बढ़ाए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी उसको अब और पंख लगेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।